अस्पताल में आता है, उसको भर्ती करके उसकी जो भी पुरानी जाँचें हैं उसको लेकर लेबर रूम में भर्ती किया जाता है। उसको आई वी फ्लूइड और ऑक्सीजन की काउंसलिंग किया जाता है जिससे कि मॉनिटरिंग किया जा सके। इस पेशेंट में भी जब वो आया तो गायनेकोलॉजिस्ट द्वारा देखा गया कि पेशेंट लेबर में है और इसको लेबर रूम में रहना चाहिए। पेशेंट से उसकी जाँचें मांगी गई लेकिन वो देने से उसने मना कर दिया, लेकिन लेबर रूम में जाने से भी उसने साथ साथ मना कर दिया और वहाँ से वो हाथ छुड़ाकर कहीं बाहर चली गई। घर वालों के भी द्वारा उसको फोर्स किया गया तो लेबर रूम में आने से मना कर दिया गया पेशेंट को। उसके बाद जो सिस्टर है हमारी वो अपने जो रूटीन वर्क में, क्योंकि पेशेंट लोड ज़्यादा है और बहुत सारी डिलीवरी एक साथ कंडक्ट होती रहती है, तो पेशेंट कहीं ना कहीं बाहर चले गया और यहाँ पे नहीं था लेबर रूम में। उसका खबर है कि शायद बाथरूम में उसने डिलीवर कर दिया। हॉस्पिटल स्टाफ और अन्य मरीजों को इससे डर नहीं रहा है, संक्रमण का खतरा नहीं रहा, इसको लेकर अब क्या करें? इसको लेकर पेशेंट को वैसे ही हमारे सेफ्टी लेबर रूम में ही रखा गया है, जो भी प्रिकॉशन है वो पूरे रखे गए हैं कि दूसरे मरीजों को इन्फेक्ट करनी हो, लेकिन मरीजों को ऐसी बातें छुपाना नहीं चाहिए जिससे कि दूसरों को भी खतरा हो।